दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो थोड़ा आराम से चैन से पूरा समय लेके थोड़ा सा देखिएगा इसको पूरा। जो कोई भी वीडियो देखिए, मैं चाहता हूँ पूरी देखे आज, क्योंकि थोड़ा ये सीरियस इशू है। हमारे यहाँ देश में क्या चल रहा है कि लोग इतने ज़्यादा अंधविश्वासी हो चुके हैं कि आज की डेट में इंडिया को फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए, आगे स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए, तो वो लोग बैकवर्ड जा रहे हैं। इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिखाऊंगा, और ये हो रहा है इंटरनेट की मदद से। इंटरनेट की मदद से लोगों को अपना यू नो अपनी ग्रोथ के लिए और अपने फायदे के लिए चीज़ों को देखना चाहिए, लेकिन वो अपना फायदा कहाँ ढूंढते हैं उसका भी फर्क पड़ता है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ और कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि लोग अपना फायदा कहाँ ढूंढते हैं और कहाँ ढूंढना चाहिए। इंटरनेट का सही इस्तेमाल और इंटरनेट का गलत इस्तेमाल, ये दोनों बहुत असर डालते हैं किसी की लाइफ में। कैसे हमारी ऑर्थोडॉक्स सोच आगे चल के बहुत नुकसान देगी अगर हम ऐसी सोच रखेंगे और इंटरनेट की मदद इन्हीं सब कामों के लिए लेंगे। कहीं ना कहीं वीडियो के किसी टाइटल में या थंबनेल में लिखा होता है कि रातों रात अमीर कैसे बने, पर्स में ये रख लेने से कैसे आपकी पर्स भरी रहेगी पैसों से, दिन में सुबह ये मंत्र पढ़े तो आपका आप हमेशा वृद्धि करेंगे, अमीर हो जाएंगे अचानक से। तो ये कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं, मैं पढ़ के बताता हूँ। मैं पीछे यूट्यूब खुला हुआ है और पूरी लिस्ट है मेरे सामने, तो कौन कौन से ऐसी वीडियोज में बताता हूँ, नाम लेता हूँ, कितना अजीब अजीब इनका टॉपिक होता है आप देखो। पहला है, अमीर बनना है तो सुबह इस मंत्र का जाप 7 बार करें और फिर फर्क देखें। अमीर बनने के लिए मंत्र का जाप करना है। एक हफ्ते में अमीर बनने के टूट गए। अब इंसान को अमीर बनना है तो हमारी सरकार स्टार्टअप प्लान्स लाती है, स्टार्टअप इंडिया वो सब छोड़ो, आप सीधा फोकस करो टोटके पे। अब यूट्यूब पे भी ऐसी वीडियो कोई रिपोर्ट नहीं करता इसको, लेकिन ये वीडियोस एक तो मनगढ़ंत चीज़ें फैलाती हैं, और इनसे क्या होता है, लोग जोर सोचते हैं, बहुत लोग सोचते हैं, सब नहीं, एक हिस्सा है समाज के ऐसा जो सोचता है कि हम टोटका करके और एक टिप्स फॉलो करके या मंत्र पढ़ के या फिर कुछ चीज़ें अपने साथ रख के या कुछ खा के या किस कलर का कपड़ा पहन के हम अमीर बन जाएंगे। होता उनके साथ कुछ नहीं है, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हो क्यों नहीं रहा है, लेकिन उनका जो अंधविश्वास है उन्हें करने पर मजबूर करता है। तो और अब और दिखाता हूँ, 2 चीज़ों को जलाकर 1 मिनट में बढ़ेंगे करोड़पति। 2 चीज़ें जलेंगी और आप 1 मिनट में करोड़पति बन जाओगे। व्यूज कितने हैं इसमें? 2.4 मिलियन। इन लोगों की तो बहुत अच्छी कमाई हो जाती है, उनकी नहीं जो देखते हैं, उनकी जो दिखाते हैं। कितना पैसा मिला होगा आप लोग सोच नहीं सकते। 2.4 मिलियन एक अमाउंट होता है व्यूअर्स का, जिससे आप यूट्यूब की पॉलिसी के हिसाब से कई हजार डॉलर उसको मिल चुके होंगे, और डॉलर कन्वर्जन इंडियन रुपी बहुत होता है अमाउंट। तो आप जो व्यूअर हो वो बेवकूफ़ बन के किसी ऐसे की वीडियो देखते हो, उसका व्यू बढ़ाते हो, उसको पैसा मिल जाता है, और आप वो वीडियो देख के 1 मिनट में अमीर नहीं बन पाओगे। आपको कई कई साल लग जाते हैं स्ट्रगल करके अपने आप को एस्टैब्लिश करने में, और उसके बाद आपका जो ब्रांड बनता है आप उससे अमीर बनते हैं। अगली वीडियो का टाइटल बता रहा हूँ आपको मैं, लिखा है घर में चुपचाप ये लॉन्ग छुपा दें फिर देखें आपकी तरक्की कैसे होती है। मतलब घर में कुछ छुपाने से कुछ तरक्की हो जाएगी। अगर ये कहता वीडियो का टॉपिक कि घर में से आप छुपा हुआ सोना निकाल लें तो आपको फायदा होगा, काफ़ी हद तक लॉजिकल है। घर में ढूंढो छुपा हुआ सोना का निकाल, अगर है तो आपको फायदा फायदा, तभी तो लोग लोन लेते हैं। घर में पड़ा पड़ा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आप उसको पर्पजली यूज़ कर पाओगे कि आपने लोन लिया और आप उसको अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, तो वो फ़ायदा है लॉजिकल जी। आप कह रहे हो घर में लॉन्ग छुपाइए और फिर फ़ायदा देखिए, सेंस ही नहीं है, लेकिन तब भी इसके व्यूज़ देखते हैं कितने हैं। इसके व्यूज़ हैं 16 मिलियन। इसको कितना पैसा मिला होगा अभी साल भर के अंदर अंदर की बात है। मतलब दिखाने वाला बहुत पेल के कमा रहा है और देखने वाला बेवकूफ बन रहा है। अगली वीडियो आपको बताता हूँ जिसमें लिखा है कर्ज से मुक्ति पाने के 3 अचूक उपाय। अब कर्ज से मुक्ति पानी है और इसमें टंबनेल क्या लगा है, नारियल सिंदूर टीका ये सब और प्रसाद वसाद। तो कर्ज से मुक्ति पानी है तो आपको ये सब करना है। तो आप एक कॉमन इंटेलिजेंट आदमी ये सोचेगा कि हमें कर्ज से मुक्ति पानी है तो हम मानो किसी तरीके से अर्न करें उसे चुकाते जाएं, या फिर और लोन ना लें और कर्ज ना लें और धीरे धीरे
हम देते जाए पे करते जाए, लेकिन बजाय उसके आपको ये वीडियो देखनी चाहिए जिससे लिखा है कर्ज से मुक्ति पाने के 3 अचूक उपाय। इसके व्यूज देखते हैं कितने हैं। तो इन महाशय ने साल भर में 7.4 मिलियन व्यूज उठाए। अब इन लोगों को कोई कोर्ट केस नहीं करता क्योंकि बहुत लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। 74 लाख लोगों ने कम से कम देख लिया इसको। 74 लाख लोगों में से किसी ने भी सोचा होगा कि इतनी फालतू सी चीज़ को क्यों ना रिपोर्ट करें, क्यों ना कंप्लेन करें, लेकिन व्यू बढ़ा के उसको पैसा जरूर दे दिया। तो घूम फिर के टॉपिक मेरा ये था कि ये सब चीज़ें देखने से अगर आप लोग बच गए, सच्ची बता रहा हूँ, अगर बच गए तो आप लोग वो चीज़ें करोगे जो आपको फ्यूचर में सपोर्ट करेगी कुछ अर्न करने में, आपके गोल्स को अचीव करने में। बातें कह देना बहुत आसान होता है, करना उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन क्यों लोग एग्जाम्पल देते हैं कि आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो? क्योंकि अगर आदमी लगातार 5 साल मेहनत करता है किसी गोल को, किसी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में, किसी गोल को अचीव करने में, तो 5 साल एक ऐसा टाइम होता है कि किसी भी चीज़ को एस्टैब्लिश कर सकता है। किसी भी बिजनेस को आपने शुरू किया, 5 साल तक आप एस्टैब्लिश्ड हो, गुडविल बन चुकी है, एक नॉर्मल एवरेज, या आप मार्केट में हो, आपका ये बिजनेस है, आपकी कंपनी, सब कुछ। 5 साल एक इतना क्रूशियल टाइम होता है कि अगर 20 साल की उम्र में किसी को कुछ नहीं कहता है, 25 साल की उम्र में वो बिजनेसमैन बन चुका है, उसकी रेगुलर अर्निंग हो चुकी है फिक्स, वो और ग्रो करे, और आगे बढ़े, और कमाए जितना कमाना है कमाए, मेहनत करे, एफर्ट करे, कमाए। हर चीज एफर्ट से पॉसिबल है, कॉन्सेंट्रेशन से पॉसिबल है, ये सब से पॉसिबल है। आप बहुत लोग सोचेंगे कि भाई तुम भी तो छोटे हो, तुमने क्या कर लिया, कि इतनी बातें कह रहे हो। मैंने कुछ नहीं किया, मैं स्टूडेंट हूँ, कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरे पास अपने बिजनेस आइडियाज हैं और उन पर काम कर रहा हूँ, लेकिन ये सब नहीं कर रहा। ये जो अंबानी की फोटो लगा के लिखा है कि कैसे 5 चीज़ें फॉलो करें और अमीर बन जाएं, इनकी ये बातें फॉलो करें, उनकी बातें उन पे लागू होती हैं क्योंकि उन्होंने अपने, अब वो भी सच नहीं कि उनकी ही बातें, उनकी फोटो लगा किसी भी बात को लिख देना कि इनकी ये 5 हरकतें फॉलो करें और आप अमीर बन जाएं। हर इंसान अगले से अलग होता है, उसकी अपनी स्पेशलिटी होती है, सब एक ही को फॉलो करने लग जाएंगे भीड़ चाल में, तो सब पे वही चीज़ काम करके कोई गारंटी नहीं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कंक्लूजन ये निकलता है कि बस इन सब चीज़ों से बचिए। हमारा इंडिया फॉरवर्ड मूव करना चाहिए, बैकवर्ड नहीं। हमारा ऑर्थोडॉक्स और हिस्ट्री और बैकवर्ड हिस्ट्री यही कहती है कि इस बात के लिए पूजा करा लो सब सॉल्व हो जाएगा, उस बात के लिए मंत्र पढ़ लो सब सॉल्व हो जाएगा। आज की डेट में लोग बिना बिलीव के करने लगे। लोग नहीं कहते मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। उसी तरह की बात है, हम उस मंत्र में यकीन नहीं करते, लेकिन जस्ट बिकॉज किसी वीडियो में कहा गया है, किसी पंडित ने कह दिया है, तो हम वो करेंगे। हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन में, बिजनेस फॉर्मेशन में, नए स्टार्टअप्स लाने में, और फिर ग्रो करो ना, आपकी अपनी इमेज बने। कुछ नहीं समझ में आ रहा, पढ़ाई जिंदा कर, इतनी यूनिवर्सिटीज, इतने कॉलेजेस, पढ़ाई में मन लगा, पढ़ाई में बनो कुछ, IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ और कुछ यूनिक है, कुछ हट के करना चाहते हो तो बहुत चीज़ें हैं यार करने को, बहुत चीज़ें हैं आज की डेट में। बस प्रॉब्लम थोड़ी सी ये फंसती है कि फंड नहीं मिलता। भले इतनी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, मैंने भी अब 59 मिनट्स लोन की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि 59 मिनट लोन है, 59 मिनट का स्कैम है। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अंधी भक्ति की चीज़ की मत करो। अंधी भक्ति मतलब वो सब नहीं चल रहा है, ये BJP मोदी, अंधी भक्ति मतलब दिस, आपको एफर्ट करके अर्न करना है। आपकी मार्केट में वैल्यू इसलिए नहीं बनेगी कि आपने कोई वीडियो देखी, अरे वीडियो देख के बना लो किसी का है, तो नहीं होता कुछ ऐसा। मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसी वीडियो देख के कोई नहीं कुछ कर सकता है। वो हरकतें करना बंद करो जो आज 100-200 साल पहले होती थी, वो करो जो इंडिया फ्यूचर में करना चाहता है, इंडिया वर्ल्ड लीडर बनना चाहता है, उसको वहाँ तक ले जाओ। इंडिया की पॉपुलेशन का एक एक बंदा या उस पूरी फैमिली का एक बंदा भी ना कुछ ना कुछ बनता जाना हल्का सा सक्सेसफुल। तो हमारा कल्चर ऐसा है कि आप एक आदमी बनता है पूरे परिवार का सपोर्ट कर देता है, शायद इसीलिए कुछ लोग इंडिया में आ गए कहीं से तो यहाँ की हवा में परिवारवाद चालू हो गया। खैर उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पर सपोर्टिव नेचर बहुत है, तो आप लोग अब एक दूसरे का सपोर्ट करते रहो और एक दूसरे को सजेस्ट करो, फाइनेंशियली सपोर्ट करो और ग्रो करो। ये सब देखने से कोई आज तक ग्रो कर नहीं पाया है, और भले कमेंट बॉक्स में बहुत लोग लिख देते हैं कि बड़ी अच्छी टिप थी, बड़ी काम है,
से होप देती है, हमने ये किया है तो कुछ दिन बाद शायद कुछ ठीक हो जाए। एक्चुअल में कुछ ठीक होता नहीं, और अगर कोइंसिडेंटली होता भी है तो उसके कारण कुछ और होते हैं। आप वो पूजा उठ का वो टिप फॉलो ना भी करते तो चीज़ें हो सकती थी, क्योंकि उसके कारण कुछ और थे। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, कुछ लोगों को सिखाना चाहता था कि इतना अंधा भेड़ चाल मत चलो। 16 मिलियन व्यूज आ रहे हैं यूट्यूब पे, इतना पैसा कमा रहे होंगे, आपको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा होगा। उसी वीडियो को आप फिर से देखो, और एक साल पहले जिसको देखा होगा और उसको अगर फॉलो किया होगा तो सोचो कि मैंने उस वीडियो की उस टिप को फॉलो करके कुछ करने की कोशिश की, मेरा कुछ नहीं हुआ, वो उतने व्यू ले गया, उसने काफ़ी पैसे कमा लिए। थोड़ा सोचने की जरूरत है, और बाकी किसी और को बुद्धि चाहिए हो तो ये वीडियो शेयर कर देना, शायद मुझे सुन के थोड़ी दिमाग खोले उसका। तो बाकी बहुत लोग डिसलाइक भी करेंगे, क्योंकि बहुत लोग रिलीजन के उस पर इतना खो चुके हैं कि उन्हें इन्हीं सब पे भरोसा है, वो कुछ कर नहीं सकते लाइफ में। तो बाकी वीडियो चलिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कोई सवाल हो सुझाव तो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।